मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-13, 12-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दी। नाइशा, क्या वजह है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नहीं दी जाती? एक तो इसमें रिसोर्सेज की वजह है, मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट, टेररिज्म, मतलब लाइक आप बाहर जाते हो तो वहीं पर ही आपका प्लान होता है कि आप इधर ही इस्टेब्लिश हो जाओ। मतलब पाकिस्तान में वही बात है, इतना ना जॉब्स हैं और ना इतनी चीज़ें हैं। प्लान होता है जितना लूट सकते हो लूट लो। हाँ, ऐसे ही है। द मेन रीजन इज द बिहेवियर, द पर्सनैलिटी दैट वी पाकिस्तानीज इंटरप्रेट। पाकिस्तान में रहते ही वी पॉल्यूट आवर कंट्री, वी ब्रेक रूल्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखा जाए, बाकी कंट्रीज ये चीज़ एक देखते हैं कि विच कंट्री इज फॉलोइंग इट। तो सिटीजनशिप हमारा कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, किसी को नहीं पता क्या रूल्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सो व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, दे रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने 3,000 वीज़ा जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें गिफ्ट किए हैं या इंडिया को गिफ्ट किए हैं। इस पर ही टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या वजह है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ ठीक हैं या नहीं। सबसे बड़ी वजह तो देखें उसकी ये है कि हम लोग बेसिकली ना मेंटली तौर पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस हकूमत से, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख के, इतने हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं माँ बाप का बाहर जाने के लिए, हाथ सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलती। हम पढ़ लिख के भी यहाँ जलील हो रहे हैं। वो लोग हैं, उनको वो लोग वीज़े देते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं अपने लिए भी, उनके लिए भी। उनकी इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं, फ़ायदा यानी दोनों को हो रहा है। अगर उन्हें वीज़ा दे रहे हैं तो यूके को भी फ़ायदा, इंडिया को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। हमारी तरफ देख ले, हमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही, हम पढ़ लिख भी जो है ना जॉब लेस इसी तरह घूम रहे हैं, तो फिर हम किस तरह जो है ना उससे जाए। तो आपने बता दी, मतलब ये आपने बता दिया जो इशू है, वजह क्या है इसका, मतलब क्यों नहीं हमारे रिलेशन बेहतर, क्यों इवन हमारे जो उनसे बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी तो प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, यूरोप में पड़ी हैं, तो फिर भी हमारे रिलेशन क्यों नहीं उनके साथ बेहतर? देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक आपकी रियाया आपका साथ ना देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें तो उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बाहर है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने आती है, वो पूरी कंट्रीज को चेक करते हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो हुकूमत है वो इनके लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो आपके सामने है सारी चीजें, वो खुद कमा रहे हैं। इवन अभी तक जो देख लें आप, जो एड्स आई हैं सैलाब जदगान की, उनको उनमें से 5% भी नहीं मिला। तो ये के हवाले से जो एड्स आई हैं वो नहीं मिली, ये कहा जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है, ये देखा भी जा रहा है। वो बेचारे अभी तक मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह से हमारे अपने हुकूमत के साथ रिलेशन ठीक हो या